A very pleasant good morning, dear readers. Welcome back to my channel, English Mentor. Today, we are going to analyze the editorial of 29th January. So let us start this editorial in detail. The title of this editorial is Valley, jiska matlab hota hai ghati, and Hills. Hills ka matlab ho gaya pahadi chhetra. On Manipur pole, battle. Battle ka matlab ho gaya fight, ladai. Aur pole ka matlab ho gaya chunavi. तो मणिपुर के अंदर अभी फिलहाल असेंबली इलेक्शन होने वाले हैं, जिसको लेकर जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके बीच में एक चुनावी एक लड़ाई देखने को मिल रही है। और वैली एंड हिल्स का मतलब हो गया जो मणिपुर के अंदर जो ज्योग्राफिकल अगर एरिया की बात की जाए तो बहुत सारा जो एरिया है वो वैली एरिया है और काफी जो एरिया है वो हिली एरिया है, जिसको लेकर मतलब फिलहाल जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन पर्टिकुलर एरियाज के अंदर वोटर्स को कन्विंस करने की कोशिश कर रही है। और फिलहाल मणिपुर के अंदर एक चुनावी एक बैटल दिखाई देने को मिल रहा है, एक चुनावी लड़ाई देखने को मिल रही है। तो इसी मुद्दे को हम इस एडिटोरियल में डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट अस स्टार्ट दिस एडिटोरियल इन डिटेल। द भारतीय जनता पार्टी इज आइंग इट्स सेकंड स्ट्रेट टर्म इन मणिपुर। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की वहां पर सरकार है और भारतीय जनता पार्टी इज आइंग, आइंग का मतलब अपनी नजरें गड़ाए बैठना, इट्स सेकंड स्ट्रेट टर्म। तो फिलहाल अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी दूसरी बार अपनी नजरें गड़ाए बैठी हुई है, जिससे कि वो मणिपुर के अंदर अपनी सरकार को बना सके। इन 2017 यानी 2017 के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने क्या की थी, पहली बार अपनी सरकार को वहां पर बनाया था। द पार्टी हैड फिनिश सेकेंड विथ 21 सीट्स। और 2017 के असेंबली इलेक्शन के अंदर भारतीय जनता पार्टी बीजेपी 21 सीट्स उसने क्या की थी, 21 सीट उसने जीती थी वहां पर इन द 60 स्ट्रॉन्ग असेंबली। और मणिपुर के अंदर 60 स्ट्रॉन्ग असेंबली यानी मणिपुर के अंदर 60 सीटें हैं, उन 60 सीटों के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने 21 सीट्स क्लेम की थी बिहाइंड दी 28 सीट्स वन बाय द कांग्रेस। हालांकि उस असेंबली इलेक्शन के अंदर 2017 के अंदर जो असेंबली इलेक्शन हुए थे उसमें कांग्रेस पार्टी ने 28 सीट्स जीती थी, बीजेपी ने 21 सीट्स जीती थी। लेकिन बीजेपी ने क्या किया, जो वहां की जो लोकल पार्टीज थी उनके साथ अलायंस करके गठबंधन करके अपनी सरकार वहां पर बना ली थी, फॉर्मिंग एन अलायंस विद नेशनल पीपल पार्टी एनपीपी एंड द नागा पीपल फ्रंट एनपीएफ दैट हैड 4 एमएलएस ईच। तो यानी कि कहीं ना कहीं देखें 21 तो बीजेपी ने जीती थी, उसके बाद 4+4 यानी 29 हो गया। तो बीजेपी ने क्या किया, वहां की जो लोकल जो पार्टी है नेशनल पीपल पार्टी और नेशनल पीपल फ्रंट उनके साथ क्या करके अलायंस करके वहां पर अपनी सरकार को बना लिया था, जिसकी वजह से वहां पर बीजेपी को जो एक आंकड़ा चाहिए था तो 29 सीट्स का आंकड़ा उसको मिल गया था और वहां पर बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई थी 2017 के अंदर। 1 MLA ईच फ्रॉम तृणमूल कांग्रेस, और मतलब उन 4 MLAs जो कि अगर बात की जाए नागा फ्रंट नागा पीपल फ्रंट की अगर बात की जाए उनमें से 4 जो MLAs उसने अलायंस में लिए थे, उनके साथ जो गठबंधन किया था बीजेपी ने अपने साथ मिला लिए थे सरकार बनाने के लिए, तो उन MLAs में से अगर देखा जाए तो 1 MLA तो तृणमूल कांग्रेस का था एंड 1 MLA था लोक जनशक्ति पार्टी जो कि लोकल पार्टी है वहां की वहां का था एंड इंडिपेंडेंट, और एक था इंडिपेंडेंट निर्दलीय जिसको बोलते हैं, एक स्वतंत्र मतलब जो एक उम्मीदवार था MLA था उसको मतलब विधायक था उसको शामिल किया एंड अ कांग्रेस डिफेक्टर। डिफेक्टर का मतलब होता है अ पर्सन हु अबेंडेंस देयर ड्यूटी, जिसको आप दल बदलू कह सकते हैं। और एक था दल बदलू जिसको कांग्रेस दल बदलू था, कांग्रेस पार्टी को छोड़कर उसने क्या किया वो बीजेपी में शामिल हो गया। और जो कांग्रेस डिफेक्टर था हु वॉज मिनिस्टर जो कि एक मिनिस्टर हुआ करता था अंटिल हिज डिस्क्वालिफिकेशन 3 years later, यानी कि 3 सालों के बाद उसको डिस्क्वालिफाई कर दिया गया था, निष्क्रिय कर दिया गया था। और वो जो मिनिस्टर था वो भी मतलब कहीं ना कहीं बीजेपी में जाकर शामिल हो गया। तो जिस तरीके से हालांकि बीजेपी ने 21 जो सीट्स थी वही हासिल की थी, लेकिन बीजेपी ने 8 सीट्स जो थी उसको क्या कर लिया, अपने साथ शामिल कर लिया। वहां की जो लोकल पार्टीज थी नेशनल पीपल पार्टी और नागा पीपल फ्रंट, तो वहां के 4 MLAs उसने अपनी मतलब
सरकार को बनाने के लिए उनके साथ क्या कर लिया, गठबंधन कर लिया, जिससे कि बीजेपी ने अपनी सरकार बना ली। द पार्टी मैनेज टू क्रॉस द हाफ वे मार्क, और जो एक हाफ वे मार्क चाहिए था यानी 28 को पार करना था, यानी 29 का जो आंकड़ा था उसको जो उसको अचीव करना था, तो इस तरीके से बीजेपी ने वो 29 का आंकड़ा हासिल किया और अपनी सरकार वहां पर फॉर्म की। डिफेक्शंस, डिफेक्शन का मतलब दल बदलू, कंटिन्यूड यानी दल बदली जो थी वो कंटिन्यू रही, इंक्लूडिंग द पार्टीज अलाइड विद बीजेपी। हालांकि वो जो पार्टी जो बीजेपी के साथ गठबंधन में है उन पार्टीज में से भी क्या हुआ, दल बदलू या जो दल बदलना था वो जारी रहा। द बीजेपी नाउ हैज 30 MLAs, और फिलहाल अगर देखा जाए तो बीजेपी के पास 30 विधायक हैं मणिपुर के अंदर, वाइल दी कांग्रेस है 13, और फिलहाल कांग्रेस के पास 13 विधायक है वहां पर। बट एन MLA हैज नाउ ज्वाइन द जनता दल यूनाइटेड, द बीजेपी नेशनल अलाइंस, और फिलहाल वहां पर एक देखा जाए एक MLA ने और ज्वाइन किया है, बट हैज एन MLA हैज नाउ ज्वाइन द जनता दल यूनाइटेड द बीजेपी नेशनल अलाइंस, और फिलहाल अगर देखा जाए कांग्रेस के पास 13 MLA है, बट एन MLA हैज नाउ ज्वाइन, और कांग्रेस में एक MLA ने ज्वाइन किया है जो कि जनता दल यूनाइटेड का ही क्या है, मतलब जनता दल जो यूनाइटेड एक अलायंस है उसका एक विधायक है जिसने कांग्रेस को अभी अभी ज्वाइन किया है, और ये जनता दल जो है वो कांग्रेस का ही सॉरी बीजेपी का क्या है, नेशनल अलाय, अलाय का मतलब हो गया गठबंधन के अंदर है। तो ये जो जनता दल है ये एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसका बीजेपी के साथ क्या है, एक गठबंधन है, उसका एक MLA कांग्रेस के अंदर शामिल हो गया है। तो देखने में अगर हम इस चीज को देखते हैं तो दोनों पार्ट पॉलिटिकल पार्टीज हैं या लोकल पार्टीज हैं वहां पर अभी भी दल बदली चल रही है। द पार्टी इन पावर एट द सेंटर, फिलहाल बीजेपी जो पार्टी है वो सेंटर के अंदर है, मैनेजेस टू एक्सरसाइज अनड्यू इन्फ्लुएंस इन मणिपुर पॉलिटिक्स। फिलहाल अगर देखा जाए तो बीजेपी जो सरकार है वो अपना जो पावर है उसका यूज करके अनड्यू इन्फ्लुएंस इन्फ्लुएंस करना, प्रभावित करना मणिपुर पॉलिटिक्स, और कहीं ना कहीं बीजेपी जो सरकार है क्योंकि वो सेंटर के अंदर है, एट द सेम टाइम अगर देखा जाए बीजेपी मणिपुर के अंदर बीजेपी की ही सरकार है, तो जो सेंटर है यानी कि बीजेपी सरकार, अगर बात की जाए बीजेपी की जो पॉलिटिकल पार्टी है जो कि सरकार में है और मणिपुर के अंदर भी सरकार के अंदर है, तो जो मणिपुर के अंदर जो पॉलिटिक्स है उसको क्या करने की कोशिश कर रही है, उसको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रही है, उसको प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। दैट ट्रेंड कुड कंटिन्यू दिस टाइम टू, और इसी तरह का ट्रेंड अब भी चल सकता है जिस तरीके से बीजेपी ने 2017 के अंदर अपनी सरकार बनाई थी मणिपुर के अंदर, उसी तरह से बीजेपी हो सकता है इस बार भी अपनी सरकार बना ले। द बीजेपी हैज नो प्री पोल अलायंस, हालांकि फिलहाल अगर देखा जाए बीजेपी का अभी फिलहाल किसी भी जो लोकल पॉलिटिकल पार्टी है उसके साथ अलायंस नहीं है, किसी भी तरीके से गठबंधन नहीं है, वाइल इट्स प्रिंसिपल राइवल, प्रिंसिपल का मतलब हो गया एक तरीके से मुख्य मेन, और उसका जो सबसे मुख्य जो कंपिटिटर है वो है कांग्रेस, यानी कांग्रेस के साथ उसकी कड़ी टक्कर है, हैज अनाउंस्ड अ टाई अप विद द 5 स्मॉलर पार्टीज, और फिलहाल अगर देखा जाए कांग्रेस ने क्या किया, अपने अलायंस को घोषित कर दिया है, कांग्रेस ने क्या किया है, वहीं की छोटी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, छोटी छोटी जो पॉलिटिकल पार्टीज है मणिपुर के अंदर, उनके साथ कांग्रेस ने क्या किया है, टाई अप किया है, अपना गठबंधन उनके साथ बनाया है, जिससे कि कांग्रेस इस बात की होप किए बैठा है कि वो आने वाले इस असेंबली इलेक्शन के अंदर शायद कांग्रेस अपनी वहां पर सरकार बना सके, इंक्लूडिंग द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, और कांग्रेस ने फिलहाल जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है जो कि लोकल पॉलिटिकल पार्टी है मणिपुर के अंदर, तो उसके साथ टाई अप किया है। चीफ मिनिस्टर नॉन्ग थोम्बन बीरेन सिंह वॉज हिमसेल्फ वॉज अ कांग्रेस लीडर, और एक टाइम हुआ करता था जो नॉन्ग थोम्बन बीरेन जो एक टाइम में क्या हुआ करते थे, कांग्रेस के लीडर हुआ करते थे, कांग्रेस के वहां पर प्रोमिनेंट फेस थे, तो मतलब वो उनको भी शामिल करने की बात कही गई है एक तरीके से, शायद वो अभी फिलहाल बीजेपी के अंदर शामिल है। और इस तरीके से कांग्रेस ने क्या किया है, कांग्रेस ने जो लोकल पॉलिटिकल पार्टीज है उनके साथ टाई अप करने की कोशिश की है जिससे कि कांग्रेस बीजेपी को हरा कर अपनी सरकार बना सके। तो ये हमारा फर्स्ट स्लाइड है। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कंसेप्ट। देखें इस आएंगे आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया,
आपने यहाँ पर यूज कर लिया प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जिसका मतलब है यहाँ पर देखो इज आइंग, अपनी नजरें गड़ाए बैठे रहना। टू क्रॉस हो गया इन्फिनिटिव केस, टू प्लस वी वन आपने यूज कर लिया। कुड कंटिन्यू, कुड आपका मॉडल वर्ब हो गया, उसके बाद आपने वी वन यूज कर लिया, और जनरली मॉडल वर्ब अपने साथ वी वन लेकर चलता है। हैज अनाउंस्ड आपने यूज कर लिया, हैज के बाद थर्ड फॉर्म जो कि आपका प्रेजेंट परफेक्ट है। नाउ लेट अस मूव ऑन टू अ सेकंड स्लाइड। अ चैलेंज टू हिज कंटिन्यूअस फ्रॉम विद इन द बीजेपी। अब बीजेपी के साथ सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, देखिए फिलहाल मतलब अगर बीजेपी इसी स्कीम के साथ चलती है, हिज कंटिन्यूअस, हमने वीरेंद्र का पीछे बात किया था, वो फिलहाल क्या है, वो फिलहाल बीजेपी के अंदर शामिल है। एक टाइम हुआ करता था जब वो कांग्रेस के अंदर थे, तो अगर उनके साथ कंटिन्यू करती है वीरेन के साथ, नॉन्ग थम वीरेन के साथ, सिंह के साथ अगर कंटिन्यू करती है, तो बीजेपी को क्या करना पड़ेगा, चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा इफ इट वर टू फॉर्म द गवर्नमेंट। क्योंकि फिलहाल जो नॉन्ग थम वीरेन जो है वो वहां के क्या है, वो वहां के सीएम है, और अगर बीजेपी सरकार उन्हीं के साथ अगर कंटिन्यू करती है तो डेफिनेटली सी बात है तो बीजेपी को कुछ चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। इस लाइकली स्नैरियो, स्नैरियो का मतलब हो गया अजम्पशन, मतलब एक तरीके से ऐसा सीन देखने को मिल सकता है। थोंगम विश्वजीत सिंह, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर एंड इन्फ्लुएंस पार्टी इन फंक्शनरी कुड वेल बी इन कंटेंशन। और फिलहाल अगर देखा जाए तो दूसरे जो बीजेपी के पॉलिटिकल लीडर है वहां पर, थोंगम विश्वजीत सिंह जो कि पीडब्ल्यूडी के मिनिस्टर हैं, यानी उनके पास पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट है, और एट द सेम टाइम वो एक बहुत ही इन्फ्लुएंस पार्टी के ऑफिशियल है, फंक्शनरी का मतलब ऑफिशियल है, उनकी भी काफी हद तक क्या है पावर है, काफी प्रोमिनेंट फेस है वो मणिपुर के अंदर। कुड वेल बी इन कंटेंशन, कंटेंशन का मतलब कॉन्ट्रोवर्सी, तो उन दोनों के बीच में कॉन्ट्रोवर्सी हो सकती है, बीजेपी के लिए कॉन्ट्रोवर्सी हो सकती है कि वो किसको एज ए चीफ मिनिस्ट्रियल फेस के लिए क्या करे, प्रोजेक्ट करे, तो कहीं ना कहीं ये बीजेपी के लिए भी एक चैलेंज रहने वाला है। देखने वाली बात होगी कि बीजेपी किसके साथ जाएगी। इन नेबरिंग असम, असम के केस में भी अगर देखा जाए, द बीजेपी हैज रिप्लेस इट्स चीफ मिनिस्टर आफ्टर विनिंग अ सेकेंड टर्म लास्ट ईयर। तो पिछले साल अगर देखा जाए तो बीजेपी ने क्या किया था, अपने चीफ मिनिस्टर को चेंज कर दिया था। इन द सिमिलर वे अब हो सकता है कि मणिपुर के अंदर जो फिलहाल बीजेपी के जो सीएम है उनको रिप्लेस करके वो विश्वजीत सिंह को क्या बना सकते हैं, विश्वजीत सिंह को भी सीएम बना सकते हैं। तो ऐसा अगर होता है तो सेम एग्जैक्टली जैसा असम के अंदर हुआ था, ऐसा ही मणिपुर के अंदर भी बीजेपी रिपीट कर सकती है, लेकिन ये देखने वाली बात होगी क्या बीजेपी इस तरह का एक्शन लेगी या नहीं लेगी। इन द ब्रॉड जियोग्राफिकल डिवाइड, जियोग्राफिकल में भौगोलिक, डिवाइड का मतलब बंटवारा, इन स्टेट यानी पूरा का पूरा जो ये मणिपुर है उसका भौगोलिक है वो अलग अलग तरीके से बटा हुआ है। द इम्फाल वैली, जो इम्फाल जो कि कैपिटल है मणिपुर की, वैली घाटी हो गया, वेयर द हिंदू नॉन ट्राइबल मैतेई कम्युनिटी डोमिनेट्स। और अगर इम्फाल वैली की अगर बात की जाए तो वहां पर ज्यादातर हिंदू है और नॉन ट्राइबल, ट्राइबल मतलब जो कि वहां के जो लोकल कम्युनिटी के जो लोग है, समुदाय के जो लोग हैं, मैतेई कम्युनिटी के लोग हैं वो वहां पर ज्यादा मात्रा यानी ज्यादा संख्या के अंदर, ज्यादा नंबर के अंदर डोमिनेट्स, उनका क्या है वहां पर वर्चस्व है, मतलब कहीं ना कहीं उनका वहां पर बहुत ज्यादा जोर है। और हिंदूस हो गए, मैतेई कम्युनिटी होगी वहां पर उनके वाटर्स बहुत ज्यादा है। हैज एन एज ओवर सराउंडिंग हिल्स इनहेबिटेटेड बाय लार्जली क्रिश्चियंस नागा एंड कुकी जॉमी कम्युनिटी। और फिलहाल अगर देखा जाए तो वैली यानी वैली के अंदर, आस वैली के अंदर ज्यादा प्रोमिनेंट क्या है, ज्यादा वोट्स हैं इज इन कंपेयर टू, अगर कंपेयर किया जाए किसके साथ, हिल्स एरिया के साथ। तो यानी कि जो हिली एरिया जहां पर क्रिश्चियंस नागा हैं और कुकी जॉमी कम्युनिटी है, तो उनके कंपेरेटिवली अगर वोट को देखा जाए तो वैली के अंदर यानी इम्फाल वैली के अंदर हिंदूज और नॉन ट्राइबल जो मैतेई कम्युनिटी है उनके वोट्स कहीं ना कहीं ज्यादा है। तो इन शॉर्ट अगर देखा जाए वैली के अंदर 40 सीट्स हैं और हिल्स के अंदर 20 सीट्स हैं। तो ज्यादा से ज्यादा किसी को भी अगर मणिपुर इलेक्शंस को जीतना है तो वो ज्यादा से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो वैली को टारगेट कर रही हैं, क्योंकि वहां पर 40 सीट है और अगर वहां पर वोटर्स को कन्विंस कर पाती हैं तो शायद वो इन इलेक्शंस को भी जीत सकते हैं। तो इस वजह से ज्यादा ध्यान जो लोगों का है, जो पॉलिटिकल पार्टीज का ध्यान है, वैली के अंदर है,
वैली के अंदर ज्यादा से ज्यादा वोटर्स को कन्विंस करने का है। द बीजेपी इज इट्स आइडियोलॉजिकल पार्टनर। आइडियोलॉजिकल मतलब होता है एक तरीके से कंसर्न विद और सजेस्टिव ऑफ आइडिया, जिसको आप बोल सकते हैं आइडियोलॉजिकल मतलब जो आपके थॉट प्रोसेस के हिसाब से काम करता है, जो आपके समझ के हिसाब से काम करता है। तो बीजेपी का जो आइडियोलॉजिकल पार्टनर है यानी उसका उसके जो विचार मिलते हैं किसके साथ, आरएसएस के साथ, तो हैव टैप दी वैली। टैप का मतलब एक तरीके से हो गया मेक गुड यूज ऑफ, किसी का फायदा उठाना। The valley for decades now. और फिलहाल अगर देखा जाए तो RSS ने क्या किया है, RSS जो कि बीजेपी का क्या है, बीजेपी का एक आइडियोलॉजिकल पार्टनर है, तो RSS ने क्या किया है, सॉरी बीजेपी ने RSS के साथ मिलकर, सॉरी RSS ने क्या किया है, RSS ने वैली फॉर डिकेट्स नाउ यानी टैप दी वैली फॉर डिकेट्स नाउ का मतलब हो गया RSS ने वैली के अंदर बहुत उसका एक तरीके से मेक गुड यूज ऑफ, वैली के अंदर दशकों से बहुत ज्यादा फायदा उठाया है, दशकों से यानी कहीं ना कहीं आरएस का वहां पर बहुत डोमिनेंस है, आरएस बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है वहां पर। और बीजेपी अगर बात की जाए तो बीजेपी आरएसएस के ही आइडियोलॉजिकल सिस्टम के ऊपर काम करती है। बट द पार्टी ऑल्सो हैज ए फुट होल्ड अमंग क्रिश्चियंस। और लेकिन बीजेपी की अगर बात की जाए, फुट होल्ड का मतलब एक तरीके से ग्रिप कह सकते हो, कंट्रोल कह सकते हो, यानी पैर अच्छे जमाए हुए हैं। हालांकि बीजेपी को अगर देखा जाए तो जो क्रिश्चियंस हैं वहां पर मणिपुर के अंदर, तो बीजेपी का उन क्रिश्चियंस के ऊपर भी काफी होल्ड है, यानी कि एक वोट बैंक है क्रिश्चियंस का बीजेपी की तरफ इन द इवेंट और इस इवेंट के ऑफ ए हंग असेंबली। देखिए हंग असेंबली का मतलब हो गया एक तरीके से नो पार्टी इज कैपेबल ऑफ गेनिंग कॉन्फिडेंस, क्योंकि अगर 2017 के अंदर देखा जाए तो बीजेपी सिर्फ एक एक ज्यादा सीट से क्या हुई थी, उसने अपनी पार्टी को अपनी सरकार को वहां पर बनाया था। तो हंग असेंबली एक ऐसी असेंबली को बोला जाता है जहां पर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कॉन्फिडेंस में नहीं है, मतलब बिल्कुल उनके पास जो सीट्स नंबर ऑफ सीट्स है वो बहुत ज्यादा नहीं है, बिल्कुल एट पावर एट पार है, बिल्कुल नजदीक है, यानी कि जो फर्क है वो बहुत ही कम है, तो उसको आप हंग असेंबली बोल सकते हैं। द एनपीपी एंड एनपीएफ जो कि वहां की लोकल पॉलिटिकल पार्टीज हैं मणिपुर की, बोथ फाइटिंग अलोन इन देयर रिस्पेक्टिव स्ट्रॉन्गहोल्ड। और फिलहाल एनपीपी और एनपीएफ जो लास्ट टाइम उन्होंने क्या किया था, उनके चार चार जो लेजिस्लेटर थे, जो अगर बात की जाए उनके जो विधायक थे वो सॉरी एमएलए थे, तो उन्होंने क्या किया था, वो जाकर बीजेपी के अंदर मिल गए थे। इस बार अगर देखा जाए तो इन दोनों पॉलिटिकल पार्टीज के जो मेंबर्स है वो अलग तरीके से अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड अपने गढ़ के अंदर इंडिविजुअली वो क्या कर रहे हैं, फाइट कर रही हैं। अभी फिलहाल उनका गठबंधन नहीं है। कुड इमर्स इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस का मतलब इनका भी काफी प्रभाव पड़ सकता है, इमर्स का मतलब होता है डेवलप करना, इन्फ्लुएंस का मतलब प्रभाव पड़ना। तो इस बार एनपीपी और एनपीएफ भी क्या कर रही है, रिस्पेक्टिव तरीके से अलग तरीके से अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड के अंदर अपने गढ़ के अंदर वो अलग से इलेक्शन लड़ रही है और इसका भी काफी प्रभाव पड़ सकता है। The NPF role is limited to a part of Naga inhabited hills. और जहां तक NPF की बात की जाए, National People Front की बात की जाए, तो उनका जो एरिया वो काफी लिमिटेड है, क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा नागा इनहेबिटेटेड हिल्स के अंदर, जो हिली एरिया है वहां पर जो सबसे ज्यादा कम्युनिटी जो है वहां पर मणिपुर के अंदर वो नागा कम्युनिटी है, तो उनको वो क्या कर सकते हैं, कन्विंस कर सकते हैं। तो NPF का ज्यादा मतलब एरिया नहीं है, वो ज्यादा से ज्यादा जो नागा कम्युनिटी है मणिपुर के अंदर हिली एरिया के अंदर उनको वोट के लिए कन्विंस कर सकते हैं, वो वहां पर बहुत ज्यादा डोमिनेंट है, वो वहां पर बहुत ज्यादा पॉपुलर पार्टी है। द जेडीयू इज ऑल्सो इन द फ्रे अगेन। जेडीयू एक पॉलिटिकल पार्टी, एक पॉलिटिकल पार्टी है, फ्रे का मतलब हो गया अ नॉइजी फाइट। अब फिलहाल ये जो एक बहुत ही टफ कॉम्पिटिशन बना हुआ है मणिपुर के अंदर, तो जेडीयू ने भी क्या किया है, वो भी इस फाइट के अंदर आ गई है, यानी वो भी इस कॉम्पिटिशन के अंदर आ चुकी है। The Congress hopes the defections. और कांग्रेस इस बात की उम्मीद में है कि इस बार भी दल बदलना जो होगा would help its regenerate with the fresh faces. जिस तरीके से
बीजेपी ने लास्ट टाइम दल बदलने की वजह से अगर देखा जाए तो कांग्रेस की तरफ से भी कुछ एक दो नेता थे जो दल बदल के बीजेपी के अंदर शामिल हो गए थे और लोकल पॉलिटिकल पार्टीज थी। तो इस बार कांग्रेस ने, इस बात की उम्मीद है कि कांग्रेस ने पहली बात तो जो 5 ऐसी लोकल पॉलिटिकल पार्टीज उनके साथ अलायंस किया है और बीजेपी इस बात की सॉरी कांग्रेस इस बात की उम्मीद भी कर रही है कि इन केस अगर कोई भी ऐसे एक दो उनको विधायक मिल जाते हैं जो चेहरा यानी दल बदलू टाइप के कुछ विधायक मिल जाते हैं जो कि कांग्रेस के अंदर शामिल हो सकते हैं तो हो सकता है कि आने वाले टाइम के अंदर इस बार कांग्रेस अपनी सरकार मणिपुर के अंदर बना ले। तो इस तरीके से कांग्रेस ने क्या किया हुआ, कांग्रेस ने भी अपना एक होप लगाई हुई है, एक उम्मीद लगाई हुई है, राइट। सो दिस इज आवर सेकंड स्लाइड। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कॉन्सेप्ट। देखो इट वर यहां पे लिखा है जो कि आपका प्रेजेंट इमेजिनेशन है। प्रेजेंट इमेजिनेशन के अंदर आप कोई भी सब्जेक्ट क्यों ना हो उसके साथ वर ही यूज करते हैं तो इसलिए आपने वर यूज कर लिया। हैड रिप्लेस्ड का यहाँ पे हैड के बाद आपने थर्ड फॉर्म यूज कर लिया जो कि आपका पास्ट परफेक्ट है। आफ्टर आपका प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद आपने यहाँ पे जीरंड यूज कर लिया। जनरली प्रेपोजिशन के बाद आप जीरंड यूज कर लेते हैं। हैव टैप्ड यहाँ पर हो गया, हैव के बाद आपने थर्ड फॉर्म यूज कर दिया जो कि आपका प्रेजेंट परफेक्ट है। कुड आपका एक मॉडल वर्ब है और मॉडल वर्ब के साथ आप जनरली वी वन यूज कर लेते हैं। तो इमर्ज आपका मतलब होता है किसी चीज का ओरिजिन होना, उत्पन्न होना, पैदा होना, डेवलप होना। और वुड हेल्प भी, वुड आपका मॉडल वर्ब हो गया और उसके बाद फिर आपने वी वन यूज कर लिया तो जनरली मॉडल वर्ब अपने साथ वी वन लेकर चलता है, राइट। नाउ लेट अस मूव ऑन टू आवर थर्ड स्लाइड, लास्ट स्लाइड। द बीजेपी विशेस, मतलब अभी कांग्रेस ने विश किया था पीछे कि कांग्रेस विश कर रही थी, अब बीजेपी की भी कुछ होप्स हैं, उम्मीदें हैं। इट फोकस ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो बीजेपी फिलहाल वहां पर सरकार के अंदर है तो उसने क्या किया, बीजेपी का पूरा जो फोकस है, पूरा जो ध्यान लगाया हुआ है बीजेपी ने, जो वहां इंफ्रास्ट्रक्चर है, रूरल हाउसिंग हो गया, मतलब वहां के जो ग्रामीण जो हाउसिंग हो गया, मतलब लोगों को हाउस प्रोवाइड करना, लोगों को घर प्रोवाइड करना, वाटर सप्लाई पानी की व्यवस्था करना, इलेक्ट्रिफिकेशन। इलेक्ट्रिफिकेशन का मतलब होता है द एक्ट ऑफ प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिसिटी, और लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोगों को वहां पर क्या दिया जाए, इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए। एंड अदर स्कीम वुड हेल्प इट। तो फिलहाल जो बीजेपी है वो क्या करना चाहती है, वहां के लोगों को वोट के लिए कन्विंस करने के लिए वहां का जो बुनियादी जो ढांचा है, इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको मजबूत करना चाहती है, लोगों को हाउसिंग फैसिलिटी देना चाहती है, वाटर सप्लाई देना चाहती है, और दूसरी ओर जो वेलफेयर स्कीम्स है उन्होंने स्टार्ट की है। इलेक्ट्रिफिकेशन की बात की जाए तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को इलेक्ट्रिसिटी मिल सके, तो इन चीजों के ऊपर बीजेपी काम कर रही है जिससे कि वो वोटर्स को कन्विंस कर सके। द सीएम गो टू हिल्स एंड गो टू विलेजेस प्रोग्राम सो टू, और उन्होंने वहां पर कुछ कंपेनिंग स्टार्ट की है गो टू हिल्स के नाम से, सीएम और गो टू विलेजेस, ये दो ऐसी स्कीम्स है जहां पर मतलब क्या किया, जो सीएम है उनके जो सीएम है वो फिलहाल क्या कर रहे हैं, गो टू हिल्स और गो टू विलेजेस नाम के दो कंपेनिंग है उनको लीड कर रहे हैं। सो टू डिमांड टू ब्रिज दी साइकोलॉजिकल डिवाइड, जो मनोवैज्ञानिक तौर पर एक डिवाइड बना हुआ है वैली और हिल्स के बीच में, तो उसको, उस गैप को दूर करने के लिए, ब्रिज मतलब जोड़ना हो गया, बिटवीन द हिल्स एंड वैली। और फिलहाल अगर देखा जाए तो वैली के अंदर क्या है, वैली के अंदर 40 सीट्स हैं और हिली एरिया के अंदर 20 सीट्स हैं। तो ये जो एक साइकोलॉजिकल एक डिवाइड बना हुआ है दोनों के बीच में, उस डिवाइड को कम करने के लिए, उस गैप को दूर करने के लिए जो सीएम है उसने क्या किया है, वो लीड कर रहा है, और बीजेपी ने दो कंपेनिंग वहां पे स्टार्ट की है गो टू हिल्स के नाम से और गो टू विलेज के नाम से, और सीएम जो है वहां के फिलहाल वो उसको लीड कर रहे हैं। और एट द सेम टाइम देखा जाए तो वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वैली के लोगों को, हिल के, हिली एरिया के जो लोग हैं उनको कन्विंस करना चाहते हैं जिससे कि वो बीजेपी को वोट दे और बीजेपी एक फुल फ्लेज गवर्नमेंट वहां पर बना सके। द डिमांड ऑफ द रिपील ऑफ आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट यूनाइट्स ऑल द सेक्शंस ऑफ मणिपुर सोसाइटी। और फिर रिपील का मतलब होता है वैसे किसी चीज को निष्क्रिय करना, कैंसिल ऑफिशियली। देखिये आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स ये क्या है, मणिपुर या असम या जो बॉर्डर वाले जो एरिया है वहां पर आर्म फोर्सेस है, जितने भी अपनी ये डिफेंस है, जो डिफेंस फोर्सेस है हमारी, आर्म फोर्सेस है, उनको वहां पर स्पेशल राइट मिला है। वो क्या स्पेशल राइट है कि अगर मतलब वहां पर पीस को मेंटेन करने के लिए या डिस्प्यूट अगर वहां पर हो जाता है या रॉइड्स वहां पर हो जाते हैं तो आर्म फोर्सेस को इस तरह के राइट्स मिले हुए हैं कि उस
रॉइट्स को या डिस्प्यूट को या दंगा वगैरह कुछ भी होता है, पीस को मेंटेन करने के लिए उनको इस बात के राइट्स मिले हुए हैं कि वो वहां पर शूट भी कर सकते हैं। तो इस तरह के राइट्स, स्पेशल राइट्स वहां पर आर्म फोर्सेस को मिले हुए हैं, जिसकी वजह से पीछे भी उन स्पेशल राइट्स का बहुत पुरजोर विरोध किया गया था मणिपुर के अंदर, आसाम के अंदर। अब फिलहाल मणिपुर के लोग वो चाहते हैं कि जो आर्म फोर्सेस को जो स्पेशल राइट्स वहां पर मिले हुए हैं उन राइट्स को खत्म किया जाए, क्योंकि कई बार क्या होता है ये आर्म फोर्सेस नाजायज तरीके से भी जो वहां के जो नेटिव्स होते हैं या जो पब्लिक होती है उनको क्या कर देते हैं, शूट कर देते हैं, मार देते हैं, जिसकी वजह से वहां पर काफी बार आसाम की तरफ से अगर देखा जाए, मणिपुर की तरफ से अगर देखा जाए, तो इस तरह की डिमांड होती रही है। फिलहाल अगर देखा जाए मतलब पूरी मणिपुर सोसाइटी की, तो आर्म फोर्सेस को जो स्पेशल राइट्स मिले हैं उन स्पेशल राइट्स के लिए वो एकजुट है कि आर्म फोर्सेस के वो स्पेशल राइट को क्या किया जाना चाहिए, वहां पे रिपील किया जाना चाहिए, वहां पर उसको खत्म किया जाना चाहिए। द डिमांड फॉर स्केड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस फॉर द मैतेई कम्युनिटी, और एट द सेम टाइम जो मैतेई कम्युनिटी है उसने अपनी डिमांड की है कि उनको क्या किस उसको अनुसूचित जाति के अंदर उसको स्टेटस मिलना चाहिए। द इनएक्टमेंट का अंदर हो गया लागू करना, इंप्लीमेंट करना ऑफ द मणिपुर हिल एरियाज ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बिल 2021, और मतलब ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बिल 2021 एक बिल है जिस बिल का पर्पस क्या था, जो हिली एरिया है उस हिली एरिया को डेवलप करना, और उस हिली एरिया के जो उनको क्या होना चाहिए, मान लो वहां पर जो 20 MLAs हैं, क्योंकि हिली एरिया के अंदर जो 20 MLAs हैं उनको लिबर्टी मिलनी चाहिए। एट द सेम टाइम वो जो काउंसिल है 20 जो हिली एरिया के जो MLAs हैं उनकी जो काउंसिल है उनको लिबर्टी मिलना चाहिए। एट द सेम टाइम जो हिली एरिया है उसको डेवलप किया जाना चाहिए। तो ये बिल पास होना चाहिए फॉर प्रोवाइडिंग मोर ऑटोनोमी, ऑटोनोमी का मतलब हो गया लिबर्टी टू द ट्राइबल काउंसिल। और एट द सेम टाइम अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं ये जो मणिपुर सोसाइटी है वो ये चाहेगी कि सबसे पहले तो जो स्पेशल पावर्स मिली हुई है आर्म फोर्सेस को उसको हटाया जाए। एट द सेम टाइम मैतेई जो कम्युनिटी है उसको स्पेशल राइट मतलब उसको क्या मिलना चाहिए, उनको स्केड्यूल ट्राइब के अंदर शामिल किया जाना चाहिए। एट द सेम टाइम ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बिल जो है 2021 उसको क्या किया जाना चाहिए, उसको पास किया जाना चाहिए, उसको इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए। और ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बिल जो है इसका पर्पस क्या है, देखो जो ट्राइबल कम्युनिटी है और जो हिल एरियाज है उनको क्या मिलना चाहिए, जिसके अंदर 20 MLAs हैं उनको क्या मिलना चाहिए, ऑटोनोमी मिलना चाहिए, लिबर्टी मिलना चाहिए, आजादी मिलनी चाहिए, जिससे कि वो क्या ले सके, खुद के डिसीजन ले सके। एट द सेम टाइम जो हिली एरिया जो कि अंडर डेवलप्ड है उसको डेवलप किया जाना चाहिए। और ये सारे के सारे जो मुद्दे हैं ना, मणिपुर हिल्स ऑल्सो विल बी टेकिंग पॉइंट इन द कंपेन। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स क्या करेंगे, जो चुनावी जो कंपेनिंग होने वाली है, अभियान जो होने वाले हैं, तो इनके अंदर, इन अभियानों के अंदर इन सारे मुद्दों का भी काफी रोल रहने वाला है। तो मणिपुर सोसाइटी कहीं ना कहीं इन सारे मुद्दों को भी क्या करना चाहेगी, वो चाहेगी कि इन मुद्दों पर भी कहीं ना कहीं क्या किया जाए, इनको भी कंसिडर किया जाए, इनके ऊपर भी विचार किया जाए, राइट। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल था आज का हमारा। Now let us discuss the grammar concept of this slide to bridge. देखो ये आपका इन्फिनिटिव केस हो गया 2+V1, ब्रिज का मतलब किसी चीज को गैप को खत्म करना, 4 आपका प्रेपोजिशन हो गया, उसके बाद अपने प्रोवाइडिंग यूज कर लिया जो कि जीरेंड है आपका, और विल बी टेकिंग ये हो गया आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस, राइट, ये फ्यूचर कंटिन्यूअस हो गया आपका। So my dear readers, this is all about from this article. Thanks for watching this video. Please do like, share, comment and subscribe to my channel. So tomorrow I'll continue with another article. Till then, bye-bye, take care and have a nice day.